हमारे पास लास्ट स्टेज है जिसको स्टेप नंबर 5 कहते हैं. नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज द रेवेन्यू. स्टेप नंबर 5 जो है वो है रिकग्नाइज द रेवेन्यू. कि अब आपने तमाम जो शर्तें हैं वो जब मीट हो जाएं तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है. तो थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिख लेते हैं फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. एन एंटिटी से मुराद है जो हमारा बिजनेस है. एन एंटिटी कैन रिकग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन. ठीक है, एंटिटी जो है वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगी जब ये परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन फुलफिल कर देगी. सेटिस्फाई का मतलब ये है कि फुलफिल करना. व्हाट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन. अच्छा, अब परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन फुलफिल करने से मुराद क्या है. परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन फुलफिल करने से मुराद ये है कि व्हेन एंटिटी ट्रांसफर्ड डिस्टिंक्ट से मुराद है जो उसने प्रॉमिस किया हुआ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज. मेक सेंस. तो परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर एंटिटी जो है वो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेगा. अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि समटाइम्स ये होता है कि अमूमी तौर के ऊपर जो गुड्स होती हैं उनको एक ही टाइम पे डिलीवर कर दिया जाता है तो एज़ अ रिज़ल्ट आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेते हैं. लेकिन जो सर्विसेज हैं वो तो आप एक ही टाइम में सारी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे ना. जैसे कि आपने कहा कि मैं डिवाइस दूँगा साथ एक साल के लिए वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करूँगा. तो डिवाइस तो आपने ठक करके दे दी, इसका मतलब डिवाइस चलेगी तो रेवेन्यू रिकग्नाइज होना है. लेकिन जो सर्विसेज हैं वाईफाई प्रोवाइड करने की वो एक ही दिन या एक ही घंटे या एक ही मिनट में तो आप सारी डिलीवर नहीं कर सकते ना. वो तो आप पूरे साल डिलीवर कर रहे होंगे. तो लिहाजा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप ये तय करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मैं एकदम डिलीवर कर दूंगा तो रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसको थोड़ा सा अरसा लगेगा डिलीवर होने में. तो इसको बेसिकली कहते हैं कि यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन द वे टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन. कि कौन सी वेज हैं कि जिसमें आप ये तय करते हैं कि परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा. व्हाट आर द वेज टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन. तो दो वेज हैं जिसकी बेसिस पे ये तय होगा कि परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है. नंबर वन, एट अ पॉइंट इन टाइम. नंबर टू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब हम बारी बारी देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एट अ पॉइंट इन टाइम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नंबर वन, एट अ पॉइंट इन टाइम. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने डिवाइस डिलीवर कर दी तो आपने परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया, उसी टाइम डिवाइस डिलीवर कर दी तो वो एट अ पॉइंट इन टाइम है. तो परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन इज सेटिस्फाई एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन एन एंटिटी ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ गुड्स. जब एंटिटी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी चीज़ का कंट्रोल तो उस वक्त उसने परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया है, वो अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते. अब सवाल ये है कि कंट्रोल से मुराद क्या है.
कंट्रोल से मुराद क्या है? कंट्रोल से मुराद ये है कि इफ़ यू गॉट द कंट्रोल ऑफ समथिंग और गुड्स और सर्विसेज, इट मीन्स यू आर एबल टू टेक कंट्रोल, मीन्स अबिलिटी और अ राइट टू टेक ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट्स ऑफ द एसेट एंड प्रिवेंट अदर टू यूज इट। ठीक है, ये कंट्रोल से मुराद है। देखें, एक एसेट था जिसकी यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, बेच दिया, और अब रिमेनिंग बेनिफिट आप लेंगे उससे, तो इसका मतलब मैंने उस प्रोडक्ट का कंट्रोल आपको दे दिया। मेक सेंस? अच्छा, कंट्रोल को मज़ीद आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, वो आपने एक नज़र देख लेनी है कि वो पॉइंट्स कौन से हैं। एक तो ये है कि जब एंटिटी ने प्रोडक्ट या गुड्स की पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी है, लीगल टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया है, अब वो जो बायर है वो बेसिकली रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ़ दैट प्रोडक्ट बियर करेगा। एंटिटी वो जो दूसरा बायर है उसने एसेट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो हमारी कंपनी है, नाउ दैट इज़ लीगल हैव अ राइट टू टेक द पेमेंट फ्रॉम द बायर, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है, वो 4-5 पॉइंट हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जस्ट गो थ्रू योर बुक। आई जस्ट वॉन्टेड के आप बुक रीड भी करें ताकि आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्ड हो, हैबिट डिवेल्प हो बुक रीडिंग की, क्योंकि आगे जो SPL है, SPR है, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव नेचर का होगा, तो उसमें आपको दिक्कत होगी कि सवाल जो सब्जेक्टिव नेचर का लिटरेचर टाइप है उसको टैकल करने के लिए, लिहाजा बुक रीडिंग आप समझ लें कि आपने करनी है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो, अच्छा ये हो गया ना एट अ पॉइंट इन टाइम, पहले वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लूँ इसका। नंबर टू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। When performance obligation is satisfied over a period of time, over a period of time से मुराद क्या है कि देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको डिवाइस डिलीवर कर दी, डिवाइस दे दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 1 जनवरी 2023, और अगर मैं वापस जाऊँ तो डिवाइस की कीमत थी 15,000 35,000 वन ईयर इंटरनेट की। ठीक है, डिवाइस की कीमत है 15,000 और इंटरनेट, मैं इसको वाईफाई लिख लेता हूँ, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी कीमत है 35,000। डिस्काउंट को मैं नहीं लेके आ रहा, मैं बस आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने मुझे 1 जनवरी 2023 को पूरा का पूरा कैश दे दिया, मैं एंट्री पास करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा 50,000। इसको गौर से देखिएगा, मैंने डिवाइस आपकी एट अ पॉइंट इन टाइम जो है वो प्रोवाइड कर दी है, एट अ पॉइंट इन टाइम मैंने डिवाइस तो आपको प्रोवाइड कर दी है, उसका कंट्रोल दे दिया है, अब डिवाइस आपने इस्तेमाल करनी है, इसका मतलब है डिवाइस की तो मेरी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप बंडल सेल कर रहे होते हैं तो आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो मैं डिवाइस सेल को क्रेडिट कर दूंगा 15,000 से, और 35,000 जो मैंने वाईफाई का आपसे ले लिया है एडवांस में, अभी वाईफाई की सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं की ना, मैंने तो एडवांस में लिया है, तो मेरी वो लाइबिलिटी बन जाए कि दैट इज़ अनअर्नड इनकम। ये एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है जो आपने अच्छे तरीके से F3 में पढ़ा हुआ है। मेक सेंस? अच्छा, अब हम ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, तो 31 दिसंबर 2023 आ गई है, हमने पूरे साल का वाईफाई का बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जिसके पैसे एडवांस में ले लिए थे,
इसका मतलब 31 दिसंबर को हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि हमने आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जिसके पैसे लिए हुए थे, तो हम अपनी अर्न्ड इनकम को डेबिट करेंगे कि यार ये जो लाइबिलिटी है ये सर से उतर गई है, और अब जाके अपनी वाईफाई की इनकम को, वाईफाई की सेल को रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर आप देखें, ये वो सर्विस है कि जो एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रांसफ़र करते हैं। मेक सेंस? तो लिहाजा इसलिए आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ये सर्विस हम 2 साल की प्रोवाइड करते तो इसका मतलब है कि 17,500 एक साल के ख़त्म होने के बाद रिकग्नाइज कर रहे होते, और 17,500 दूसरे साल ख़त्म होने के बाद रिकग्नाइज कर रहे होते अपना रेवेन्यू। समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे आप बेनिफिट प्रोवाइड करते जाएंगे, आपकी रिपोर्टिंग डेट आती जाएगी, आप अपना रेवेन्यू अकॉर्डिंगली रिकग्नाइज करेंगे। मेक सेंस? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के अंदर, छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रीपरचेज एग्रीमेंट का, इसको आपने गौर से देखना है। क्या है ये रीपरचेज एग्रीमेंट? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ, रीपरचेज एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। रीपरचेज एग्रीमेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि व्हेन एन एंटिटी ट्रांसफर्स एन एसेट टू अदर एंटिटी एंड हैव अ राइट और ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज इट, देन इट इज नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन बट आइदर इट इज नंबर वन अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट एसेट जो ट्रांसफर किया है, और इट इज अ लीज एग्रीमेंट। अब आपने गौर से देखना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, पहली बात करते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट एसेट। नंबर वन, सिक्योर्ड लोन, कैसे पता चलेगा ये सिक्योर्ड लोन है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। नाउ, व्हेन रीपरचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, देन इट इज ट्रीटेड एज लोन ट्रांजेक्शन। देखें, फॉर एग्जाम्पल, मेरे एसेट की वर्थ है 1 मिलियन की, मैंने आपको दिया और मैंने कहा ये आप अपने पास रखें, मुझे दे दें 14 लाख। या ऐसा कर लेते हैं कि अच्छा, इसको ना मार्कअप फाइनेंसिंग कहा जाता है, बेमुज्जल कहा जाता है इस्लामिक फाइनेंसिंग में, बेमुज्जल। इसमें क्या होता है, मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट दिया है और मैंने कहा है कि आप मुझे 1 मिलियन पे कर दें। मेक सेंस? और मैंने कहा कि मैं 3 साल के बाद आपसे एसेट वापस ले लूँगा, और आपने कहा कि मैं एसेट आपको बेचूँगा 14 लाख। इसका मतलब है कि वो जो रीपरचेज हो रहा है, मैंने अभी तो आपसे 1 मिलियन पकड़ा, लेकिन वेंस आई एम गोना बाय इट बैक फ्रॉम यू आई हैव टू पे 1.4 मिलियन।
इसका मतलब है जो रीपर्चेज अमाउंट है वो ग्रेटर देन है ना सेल प्रोसीड, जितने का बेचा है, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पर सेल प्रोसीड लिख लें, ठीक है। कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर हम ना सेल प्रोसीड लिख लेते हैं, सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन द सेल प्रोसीड फ्रॉम द एसेट या ऑफ एसेट। पैसे मुझे 1 मिलियन दिए हैं आपने, और एज अ रिजल्ट आप कह रहे हैं कि जनाब जब आप वापस करेंगे 3 साल बाद तो मैं आपसे 14 लाख लूँगा और एसेट आपको वापस करूँगा। तो बेसिकली एसेट बिका नहीं है, बल्कि एसेट के पेपर्स रखवा लिए हमने गिरवी, और उसके अगेंस्ट हमने कर्ज़ा ले लिया। ज़्यादातर बैंक्स जो होते हैं, जिनको हम बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, एंड दे आर द लोन प्रोवाइडर्स, वो ये करते हैं। उन्होंने हमारी मशीन क्या करनी है, फिज़िकल पोजेशन हम नहीं देते, मशीन तो हम ही यूज़ कर रहे होते हैं, हम बस उनके पेपर्स रखवा के एज अ प्लेज या एज अ मॉर्टगेज उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। उस सूरत में आपने याद रखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने बेसिकली एसेट को डी रिकग्नाइज नहीं करना, चूँकि एसेट इज स्टिल यूजिंग बाई यू। आपने वो जो प्रोसीड आएगी कैश को डेबिट कर देना है और अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है। इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं, ये हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो 10 लाख लिया, पे 14 लाख करना है 3 साल बाद, तो वो जो 4 लाख इजाफी पे करना है वो इंटरेस्ट होगा जो 3 सालों में डिवाइड हो जाएगा फिर, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और अगर तो साल के आखिर में पे कर रहे हैं या साल के शुरू में पे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपने एंट्री पास कर देनी है। मैं यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट अपने पेएबल को कर देता हूँ क्रेडिट, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो रेट दिया होगा, मेक सेंस। तो इस तरह जाके आपने ये जो एसेट ट्रांसफ़र किया है, आपने बेचा नहीं है बल्कि उसके अगेंस्ट कर्ज़ा ले लिया है, अकॉर्डिंगली आप उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, मेक सेंस। इसी का दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज़ अ लीज़ एग्रीमेंट, लीज़ के ऊपर पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। नंबर 2 इज़ लीज एग्रीमेंट। ये लीज एग्रीमेंट कब होगा वो देख लेते हैं, लीज एग्रीमेंट इसको कब बनाना है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट में लीज एग्रीमेंट कब होगा, व्हेन द रीपरचेज अमाउंट इज लेस देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लेसर हो गए हैं और आपने लेसी को एसेट दे दिया, एसेट की वर्थ जो है वो 1 मिलियन है, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, आपने 8 साल के लिए दे दिया उसको लीज के ऊपर, 8 लाख का बेनिफिट वो ले जाएगा, पीछे जो है वो 2 लाख बचेगा आप उसको वापस ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो पे आपको कर रहा होगा, ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा होगा, रेंटल पेमेंट जो हैं, और जब वो बच जाएगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 ईयर्स, वो आप वापस ले लेंगे। एज अ रिजल्ट आपकी जो रीपरचेज प्राइस है दैट इज़ लेस देन द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, मेक सेंस। आगे चलते हैं, आगे एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट, बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज दिस, देख लेते हैं हम। अच्छा इसको ओरली सुन लें, जो एक दो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, आपने चीज़ें बेचती हैं, आपने कस्टमर को बिल कर लिया, अब कस्टमर ये कहता है कि मेरे पास तो फ़िलहाल जगह नहीं है, आप ये 2-3 महीने के लिए चीज़ें अपने पास ही रखें,
मैं फिर उठवा लूँगा आपसे। आप कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये गुंजाइश है कि आप उनको अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं। मसला ये है कि वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट आती है ना स्टोरेज कॉस्ट, तो आप खुद क्यों बियर करेंगे? तो उस सूरत में आप कस्टमर को कहेंगे जनाब चीज़ें जो बेची हैं उसकी कीमत तो आपने अदा करनी है, वो जो चीज़ें आपने 3 महीने के लिए मेरे गोदाम में रखनी है ना, उन 3 महीनों की मुझे फ़ी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? उस सूरत में व्हेन यू आर होल्डिंग द इन्वेंट्री विच यू हैव सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन हिज बिहाफ, देन द एंटिटी सपोज टू चार्ज, एंटिटी सपोज टू चार्ज अ कस्टोडियल फी, ठीक है, जो अपने पास स्टोरेज कॉस्ट कह सकते हैं, जो अपने पास वो रख रही है ना 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट जितना है, और जब तक वो कस्टोडियल फीस सिग्निफिकेंट नहीं होगी तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी अच्छी खासी जो कि जिसको मेयर किया जा सके मॉनेटरी में। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि दैट कस्टोडियल फी जो है दैट इज़ रिकग्नाइज एज अ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, आपने 1 नवंबर को चीज़ें बेची, कस्टमर ने कहा कि आप इनको 3 महीने के लिए अपने पास रखेंगे, मैं आपको इसका 30,000 पे करूँगा। 31 दिसंबर को आपकी रिपोर्टिंग डेट है, तो 2 महीने अगर आपने उसको कस्टडी में रख लिया तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर 2 महीने की इनकम तो रिकग्नाइज कर देंगे ना, बाकी जो 10,000 बचेगा वो आप जो है 31 जनवरी को रिकग्नाइज कर दीजिएगा। सो दिस इज़ योर बिल एंड होल एग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल सा था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं। ओके जी, अब इसी में हमारे पास ये होता है बेसिकली, जब हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमारे पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं कि हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, हमने कैंपस बनाना है, हमने पार्क बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, तो उस पर मोर देन 1 ईयर स्पेंड हो रहा होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए कुछ अप्रोचेज यूज़ करती हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं वो 4-स्टेप अप्रोच है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेवेन्यू रिकग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनी को उसमें जो रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो उस सूरत में क्या करना है, द एंटिटी यूजेस फोर स्टेप अप्रोच। पहला है जी step number 1, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या तय हुई है, वो आप लिखेंगे यहां पर, उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक है कॉस्ट टू डेट कि अभी तक खर्चा कितना आ गया, देन कॉस्ट टू कंप्लीट, मज़ीद कितना खर्चा दरकार है कंप्लीट करने का। तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
दैट इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो दो तीन सालों बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उसके ऊपर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये ओवरऑल होगी। अब हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर साल की रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। तो उस सूरत में जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो फिर हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो स्टेप नंबर टू इज मेजरमेंट ऑफ अ प्रोग्रेस। स्टेप नंबर टू इज प्रोग्रेस, कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। नाउ प्रोग्रेस मेजर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है इनपुट मेथड। इनपुट मेथड का फार्मूला है कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। दूसरा हमारे पास मेथड है, आपको सवाल में बताया होगा कौन सा मेथड यूज़ करना, सम टाइम परसेंटेज निकाल के दी होती है, सम टाइम्स आपको मेंशन कर दिया होता है कि मेथड कौन सा, सम टाइम आपको फार्मूला दे दिया होता है कि इस मेथड से आप कैलकुलेट करें। दूसरा है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में आप प्रोग्रेस मेजर करते हैं। अच्छा, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना होगा, आपको बताया होगा। ठीक है, आउटपुट मेथड जो इस्तेमाल करते हैं उसका फार्मूला है वर्क सर्टिफाइड, कि अभी तक सर्वायर जो आया उसने कितना काम आपका अप्रूव कर दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ प्राइस आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो तरीके हैं, आपको बताया जाएगा किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, बताया जाएगा। आगे चलते हैं स्टेप नंबर थ्री के ऊपर, कि इस साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। ठीक है, इस साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, SOPL फॉर द ईयर। चल अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास SOPL बनाने का, सॉरी रेवेन्यू इनटू, रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, और अगर पिछले साल कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज हो चुका होगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि सालाना रेवेन्यू बताना है ना। जैसे मेरा 90 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, दो सालों का 50 मिलियन पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका है, तो 40 मिलियन इस साल रिकॉर्ड होगा, तो मुझे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 90 मिलियन ही दी हुई होगी ना। उसकी जो परसेंटेज लूँगा, उसकी जो परसेंटेज निकलेगी, उसमें से पिछले साल का जो रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ होगा उसको माइनस कर दूँगा। अगर हुआ तो माइनस करना है, ना हुआ तो आपने जो चीज़ रेवेन्यू में से माइनस करनी है वैसे भी वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका फार्मूला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस। और अगर पिछले साल कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकग्नाइज हो चुकी है वो इसमें से माइनस कर देंगे। अगर हुई है तो ठीक है, तो आपके पास बेसिकली इस साल जितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, इस साल जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये जो प्रॉफिट और लॉस था आपके पास, दिस वन, ये बेसिकली आपको कंप्लीट प्रॉफिट था, तीन सालों के बाद कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे।
वो सालाना प्रॉफिट है, ठीक है, मेक सेंस। चलो आगे चलते हैं। आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 4 कि आपने बैलेंस शीट में भी क्या कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है उस साल की। हाँ जी बिल्कुल, क्या रिकॉर्ड करना है उसमें। देर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और अ लाइबिलिटी एट द ईयर एंड। या तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आएगा या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आएगी। मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या। देखें फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका काम कर दिया है 2 मिलियन का, मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया 2 मिलियन का, आपने मुझे अभी तक 18 लाख पे किया है। इसका मतलब काम तो मैं आपका 20 लाख का कर चुका हूँ, आप 18 पे कर रहे हैं, 2 का भी आपने पे नहीं किया, दैट क्रिएट्स रिसीवेबल। वो जो रिसीवेबल है उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोलते हैं इसमें। इसी तरह मैंने आपका 2 मिलियन का काम कर दिया है, जो कि मैंने इसमें रेवेन्यू यहाँ पर रिकग्नाइज कर दिया है 2 मिलियन का, आप मुझे 25 लाख पे कर गए। इसका मतलब 5 लाख यू हैव पेड मी इन एडवांस, काम तो मैंने आपका 2 मिलियन के वैल्यू के इक्वल किया, और जो 5 लाख आपने एडवांस में पे किया दैट इज़ माई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, मेरा पेएबल लाइबिलिटी है कि उसके अगेंस्ट मैंने बेनिफिट प्रोवाइड करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट लाइबिलिटी निकालने का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, रेवेन्यू रिकग्नाइज फॉर द ईयर, जो कि इस साल की SOPL में ऊपर रिकग्नाइज हुआ है ये वाला, ठीक है, दिस वन, इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट इनवॉइस्ड और रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, अगर तो ये आंसर पॉजिटिव में आता है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा। कैसे, मेरा रेवेन्यू 2 मिलियन का है, आपने मुझे पेमेंट कर दी है, इनवॉइस जो दी है मुझे वो है 18 लाख, तो 2 लाख पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, वो मैंने लेने हैं आपको, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और अगर यही मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कि रेवेन्यू मेरा बनता है 20 लाख, आप मुझे 25 लाख पे कर गए, तो 20 में से 25 निकाला तो माइनस में आएगा, दैट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। तो माइनस वाला लाइबिलिटी है, प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, मेक सेंस। चलो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं हमने, अब हम एग्ज़ाम किट सॉल्व करते हैं, ठीक है, थैंक यू।